हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं बात करने वाला हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर में जो अचानक से फॉल आया, लगभग 11% का फॉल आया। तो एक्चुअली ये मंथ ऑन मंथ और ईयरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा फॉल नहीं, मगर आप 5 डेज का ग्राफ देखते हैं तो ये फॉल बहुत बड़ा दिखता है और ये एक्चुअली हाई वॉल्यूम के साथ आया। तो लेट्स सी कि इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये BSE पे मैंने सर्च किया था, BSE के वेबसाइट पे एवेन्यू सुपरमार्ट में, और उसके कॉरपोरेट सेक्शन में कुछ अनाउंसमेंट उन्होंने अपलोड किए हुए। तो उसमें से ये अनाउंसमेंट है जिसमें उन्होंने रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट अपलोड किए जो 31 दिसंबर को क्वार्टर ख़त्म हुआ उसके बारे में। तो ये मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इनका जो हाईलाइट दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे टोटल रिजल्ट का, तो टोटल रेवेन्यू जो लास्ट क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में और अभी के क्वार्टर के बीच में 33% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, और जो EBITDA है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट वो सब है वो 7.5% ग्रो हुआ है, और प्रॉफिट जो है वो लगभग 2.1% ग्रो हुआ है। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको प्रॉफिट हुआ है 257 करोड़ का, तो वो कंपेयर टू लास्ट ईयर सिर्फ 2% ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मार्जिन पे इनके स्ट्रेस आ गया है, मतलब मार्जिन में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, जबकि रेवेन्यू इनका बढ़ गया है फिर भी। ओके, तो ये मार्केट एस्टिमेट कर रहा था, एंटिसिपेट कर रहा था कि इनका मार्जिन इम्प्रूव होगा, प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और उसके अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छी आएगी, तो वो नहीं आया। तो उसके वजह से मार्केट को एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि आप इसका शेयर अगर देख सकते हैं कि पिछले एक साल से ये कंटिन्यू हायर लेवल पर, जब से ये IPO आया तो रिसेंटली दमानी जी ने जब उनके शेयर्स अनलोड किए थे मार्केट में, वो एक इवेंट छोड़ के बाकी कभी गिरा नहीं है, बड़ा फॉल नहीं आया। तो वो हिसाब से इसके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई चल रहे हैं, तो कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन इसके अंदर वैसा रिजल्ट नहीं आने की वजह से शायद बड़े बड़े हाउसेस ने शायद इसको शॉर्ट किया होगा या फिर सेल किया होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इनके जो इस क्वार्टर में इन्होंने 9 स्टोर्स ऐड किए, वो भी शायद कहा जा रहा है कि मार्केट वो एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था कि वो एडिशन ज़्यादा होगा। तो इसका रीज़न देखते हैं हम लोग कि इनका शेयर प्रॉफिट में जो ग्रोथ नहीं आया है उसकी वजह क्या है। ओके, यहाँ पे इनके एंड में जो डिटेल्स दिए हुए हैं वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है लॉजिक रैशनल उसके बिहाइंड। ओके, मिस्टर नेविल नोरोना CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड कहते हैं कि टॉप लाइन इनका कंटिन्यू हुआ ग्रोथ, और टॉप लाइन में अच्छा ग्रोथ रहा जैसे कि मैंने ऊपर कहा, मगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो लगभग फ्लैट रहा, प्राइमरीली ड्यू टू ग्रॉस मार्जिन रिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ प्राइस कट्स। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं D-MART, तो सबको पता है मोस्टली ग्रोसरी टाइप स्टोर होता है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उनके प्राइजेस में उन्होंने कट लिया है इस क्वार्टर में। और तो कॉस्ट लीडरशिप मेंटेन करने के लिए उन्होंने वो किया हुआ है, तो ये कंपटीशन की तरफ इशारा करता है कि इस फील्ड में कैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। ओके, और कुछ एक्सपेंसेस इन्होंने कैपेबिलिटी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों में जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर खर्चा थोड़ा सा बढ़ा है इस बार। और फेस्टिवल सीजन्स में इन्होंने एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो गए क्योंकि इनके लॉन्गर ऑपरेटिंग आवर्स, आपने देखा होगा कि D-MART वगैरह दिवाली वगैरह या फिर कोई फेस्टिवल होता है, कोई इवेंट होता है तो ज़्यादा 10 बजे तक 11 बजे तक खुला रखा जाता है, तो फिर शायद वो एक इन्होंने एक्सपेंसेस मेंटेन किए या मेंशन किए यहाँ पे, तो उसके वजह से इनके प्रॉफिट थोड़े से कम आए हैं कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो ये इसका रीज़न है जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो अपलोड किया उसके अंदर से पता चलता है।
और रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड किए थे, तो आप वो चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस ओनली। और आपके माइंड में भी कुछ क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझ तक वो पहुँचा सकते हैं। शेयर मार्केट फ्रेंड, सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।